गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी तक हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम के दो पार्ट डिस्कस कर लिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। आज 25 क्वेश्चन और लेके आए हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और नॉर्सेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, डिजीज पोर्शन से पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो एनटेक्स बेस्ड है, तो आपके कंसेप्ट एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या पूछा जाता है, कौन सा क्वेश्चन आता है, किस तरीके से आता है। ओके गाइस, तो मायसेल्फ वनीश सुथार और मेरा चैनल है टेक इन नर्सिंग ज्ञान। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन, एन 18 ईयर ओल्ड क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ क्लोज्ड हेड इंजरी सस्टेंड इन MVA, दैट इज मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, MVA मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, हिज इंट्राक्रेनियल प्रेशर इज राइजेज, दैट मीन्स ICP शोज एन अपवर्ड ट्रेंड, अपन डेट दैट मीन्स ICP इंक्रीज हो रहा है, ICP इंक्रीज हो रहा है, विच इंटरवेंशन शुड बी नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो सबसे पहले, क्योंकि एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है और उसका ICP धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो कौन सा इंटरवेंशन नर्स सबसे पहले करेगी, राइट? तो ऑप्शन ए है रिपोजिशन द क्लाइंट टू अवॉइड द नेक फ्लेक्शन, ऑप्शन बी है एडमिनिस्टर 1 ग्राम मेटोल IV एज ऑर्डर्ड, ऑप्शन सी है इंक्रीज द वेंटिलेटर रेस्पिरेटरी रेट टू 20 ब्रीथ पर मिनट, एंड ऑप्शन डी है एडमिनिस्टर 100 मिलीग्राम ऑफ पेंटो बारबिटॉल। तो आपको क्या सही, देखो सबसे पहले क्या करना है, तो चूँकि मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का है और IC बढ़ रहा है, दैट मीन्स पहला ऑप्शन क्या हो गया, रिपोजिशन द क्लाइंट टू अवॉइड नेक फ्लेक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट, नेक फ्लेक्शन को अवॉइड करना है, जितना हो सके मोमेंट को रेस्ट्रिक्ट करना है, राइट? रेस्ट्रिक्ट करने से मतलब ये नहीं कि उसके हाथ बांध दिए जाए। अगर हाथ बांध दोगे तो क्या होगा, पेशेंट ज़्यादा इरिटेबल हो जाएगा और ICP और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अवॉइड नेक फ्लेक्शन, नेक्स को ना हिलाए इसके लिए हमें क्या करना है कि उसको नेक को इमोबिलाइज कर देना है, ताकि इमोबिलाइज करेंगे उतना नेक का फ्लेक्शन नहीं होगा, उतना ही ICP बढ़ेगा नहीं। तो पेशेंट को रिपोजिशन द क्लाइंट टू अवॉइड नेक फ्लेक्शन, तो हेड अप 30 डिग्री करके और नेक को फ्लेक्स करने से अवॉइड करना है, ताकि क्या होगा, पेशेंट का ICP नहीं बढ़ेगा। मैनिटोल सेकेंडरी है, पहला काम जो करना है, मैनिटोल जो डॉक्टर देगा तो एडमिनिस्टर करोगे रेस्पिरेटरी ट्यूब डॉक्टर के अकॉर्डिंग है, बट जो किया जा सकता है नर्सिंग इंटरवेंशन जो किया जा सकता है, दैट इज़ योर ए रिपोजिशन द क्लाइंट टू अवॉइड नेक फ्लेक्शन। तो राइट आंसर इज योर ए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू देखें, अ क्लाइंट विद अ हेड ट्रॉमा डेवलप अ यूरिन आउटपुट ऑफ 300 ml पर आर, ड्राई स्किन, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू परफॉर्म इनिशियली। तो क्लाइंट विद हेड ट्रामा है और उसके अंदर उसका यूरिन आउटपुट पर घंटे 300 ml आ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट हैविंग पॉलीयूरिया, पेशेंट को क्या हो रहा है, पॉलीयूरिया हो रहा है, ड्राई स्किन एंड ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन। अब पॉली ड्राई स्किन क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ पॉलीयूरिया, राइट? ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन पॉलीडिप्सिया हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन नर्सिंग इंटरवेंशन इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टू परफॉर्म इनिशियली। तो नर्स को सबसे पहले क्या करना है, राइट? तो अब देखें, ऑप्शन ए इवेल्युएट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी एंटिसिपेट ट्रीटमेंट फॉर रीनल फेलियर, सी प्रोवाइड इमोलिएंट टू द स्किन टू प्रिवेंट ब्रेकडाउन, ऑप्शन डी स्लो डाउन द IV फ्लूइड एंड नोटिफाई द फिजिशियन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चूँकि यहाँ देख के लग रहा है कि पेशेंट को हेड इंजरी है और जिसकी वजह से हार्मोन इम्बेलेंस हुआ है, और ये किसका साइन है, डायबिटीज इंसिपिडस का, तो पहले कंफर्म हो करना होगा कि पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है या नहीं, और डायबिटीज इंसिपिडस को कंफर्म करने के लिए क्या करना है, इवेल्यूएट द यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्योंकि लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। तो आपका जब भी आपका क्या होगा, डायबिटिक इंसिपिडस होगा, और डायबिटीज इंसिपिडस बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलीयूरिया यूरिन आउटपुट हाई, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज सीरम ऑस्मोलिटी, सीरम की ऑस्मोलिटी, क्योंकि यूरिन बाहर आ जाएगा तो अंदर फ्लूइड बाहर आ जाएगा, फ्लूइड बाहर आएगा तो क्या होगा, क्योंकि ये DI किसकी वजह से होता है, डिक्रीज ADH एंटी डायुरेटिक हार्मोन का लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसके अंदर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के द्वारा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी के द्वारा आपका ADH सिक्रेट होता है। तो जब भी ब्रेन के अंदर इंजरी होगी तो ये ADH का लेवल इम्बेलेंस होगा, तो ADH डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से डायबिटिक इंसिपिडस होगा, और डायबिटिक इंसिपिडस में यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा, इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, इंक्रीज सीरम ऑस्मोलरिटी, तो ये आपको देखने को मिलेगा।
चलिए गाइस, राइट आंसर इज योर इवेल्यूएट द यूनिट स्पेसिफिक ग्रेविटी. आंसर ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हेन इवेल्युएटिंग एन एबीजी फ्रॉम अ क्लाइंट विद अ सबड्यूरल हिमेटोमा, द नर्स नोट्स द PaCO2 इज 30 mm ऑफ एच जी. विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स बेस्ट डिस्क्राइब दिस रिजल्ट. अब यहाँ क्या गया, सबड्यूरल हिमेटोमा है, दैट सबड्यूरल हिमेटोमा है, दैट मीन्स पेशेंट हैविंग इंक्रीज्ड ICP. देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सबड्यूरल हिमेटोमा और PaCO2 क्या है 30, तो नॉर्मल कितना होता है 35 to 45 mm ऑफ एच जी, ये नॉर्मल है और PaCO2 लेवल कम है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पॉन्स बेस्ट डिस्क्राइब द रिजल्ट्स, दिस रिजल्ट्स. ऑप्शन ए, ऑप्शन ए देखते हैं. अप्रोप्रिएट लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर. ऑप्शन बी, इमरजेंट द क्लाइंट इज प्रूवरली ऑक्सीजनेटेड. ऑप्शन सी, नॉर्मल. ऑप्शन डी, सिग्निफिकेंट द क्लाइंट हैज एल्विलर हाइपोटेंशन. अब दे हाइपोवेंटिलेशन, तो अब देखिए क्या अप्रोप्रिएट हो सकता है. तो इसके लिए मैं आपको बहुत प्यार है, क्योंकि आपका जब PaCO2 लो होता है, क्लियर, तो PaCO2 लो होगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, सेरिब्रल वासो कंस्ट्रिक्शन होगा और सेरिब्रल वासो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, डिक्रीज ICP को कम करेगा. तो जितना ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी एम्स भोपाल के अंदर और एम्स ऋषिकेश के अंदर, तो डिक्रीज PaCO2 लीड टू द डिक्रीज सेरिब्रल, सॉरी, इट कॉज सेरिब्रल वैसो कंस्ट्रिक्शन और सेरिब्रल वैसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा और ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ICP रिड्यूस होगा. तो डिक्रीज PaCO2 जितना कम होगा उतना CO2 कम होगा, जितना PaCO2 कम होगा उतना ICP कम होगा. तो आपका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, अप्रोप्रिएट लोअरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस ICP, ये ICP को रिड्यूस करेगा. राइट गाइज, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर इज योर ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट हु हैड ट्रांसस्फिनॉइडल हाइपोफाइसेक्टॉमी शुड बी वॉच्ड केयरफुली फॉर हेमरेज. विच मे बी शोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइन. तो इनमें से कौन सा शो करेगा कि पेशेंट को हेमरेज हो रहा है. विच शुड बी वॉच्ड केयरफुली फॉर हेमरेज, ठीक है. तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आता है. यस, तो फर्स्ट हाइपोफाइसेक्टॉमी, हाइपोफाइसेक्टॉमी का मतलब क्या होता है, दैट इज रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को निकाल देना, वो कहलाता है हाइपोफाइसेक्टॉमी. तो अगर पेशेंट को हाइपोफाइसेक्टॉमी से हैमरेज हो रहा है तो कौन सा इसमें साइन है जो इंडिकेट करेगा पेशेंट है हैमरेज. ऑप्शन ए, बॉडी ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर्स, ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर्स. ऑप्शन सी, फ्रीक्वेंट स्वालोइंग. ऑप्शन सी, गैक पॉजिटिव स्टूल. ऑप्शन डी, हेमेचूरिया. तो गाइस ध्यान रखिए, जब हाइपोफाइसेक्टॉमी हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया, तो ब्लडी ड्रेनेज फ्रॉम द ईयर्स, ईयर्स की जो ब्लीडिंग है वो तो आपका सबड्यूरल हेमेटोमा है, या फिर आपका ब्रेन के अंदर इंट्राक्रेनियल हेमरेज है, तो उसकी वजह से ब्लडी ड्रेनेज ईयर से और नोज से आ सकता है. फ्रिक्वेंट स्वालिंग, यस दैट इज द राइट आंसर, क्योंकि जब आपका बार बार फेरिंग्स के अंदर ब्लड आ रहा है तो पेशेंट बार बार स्वालो करेगा, और बार बार स्वालो करेगा तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट हैविंग, जब स्वालोइंग के सिम्टम्स हैमरेज हैं और बार बार पेशेंट स्वालो कर रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि कुछ ना कुछ फ्लूड आ रहा है, राइट. तो इंट्रा ईयर से ब्लीडिंग और नोज से ब्लीडिंग, दैट इज नॉट कंफर्म द हाइपोफाइसेक्टॉमी साइन, बट दैट हैमरेज को कंफर्म कौन करेगा, फ्रिक्वेंट स्वालोइंग. और ये गैक पॉजिटिव साइन नहीं आता है, हेमेचूरिया भी नहीं होता. तो राइट आंसर इज योर व्हाट, दैट इज बी. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आफ्टर हाइपोफाइसेक्टॉमी वासोप्रेसिन इज गिवन इन IM फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. अब हाइपोफाइसेक्टॉमी है, दैट मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव कर दिया, तो और वैसोप्रेसिन क्या है, वैसोप्रेसिन ही आपका क्या है, ADH है. तो हाइपोफाइसेक्टॉमी हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव किया, तो क्या किस वजह से दिया जा रहा है. तो ऑप्शन ए है, टू ट्रीट ग्रोथ फेलियर. ऑप्शन बी है, टू प्रिवेंट सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हार्मोन. ऑप्शन सी, टू रिड्यूस सेरेब्रल एडिमा एंड लोअर इंट्राक्रेनियल प्रेशर. ऑप्शन डी, टू रिप्लेस एंटीडायबिटिक हार्मोन नॉर्मली सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी. अब यहाँ पे देखें, SIADH और DI. SIADH कब हो सकता है, तो SIADH कब हो सकता है, तो SIADH यू नो वेरी वेल कि SIADH कब होगा, SIADH होगा जब पेशेंट को ADH का लेवल बढ़ेगा, तो SIADH होगा. बट DI कब होगा, जब ADH का लेवल घटेगा.
ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो जब ADH का लेवल कब घटेगा, जब पिट्यूटरी उसको सिक्रीट नहीं करेगी, और पिट्यूटरी जब है ही नहीं, हाइपोपाइसेप्टमिक कर दिए तो पिट्यूटरी है ही नहीं, तो बॉडी के अंदर ADH की कमी हो सकती है, और ADH की कमी की वजह से डायबिटिक इंसिपिडस हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज योर डी, टू रिप्लेस एंटी डायबिटिक हार्मोन नॉर्मली सिक्रीटेड बाय द पिट्यूटरी। तो राइट आंसर इज योर डी। चलिए तो आंसर क्या होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, अ क्लाइंट कम्स इन टू द ईयर आफ्टर हिटिंग हिज हेड इन एन MVA। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आया और हेड किस हेड पर किसी ने मार दिया, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। ही इज अलर्ट एंड ओरिएंटेड, वो अलर्ट भी है ओरिएंटेड भी। जब द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी डन फर्स्ट, अब पेशेंट अलर्ट भी है और अभी माथे में लगी, सर पे लग गई और वो आ गया इमरजेंसी की, मेरे को किसी ने लट मार दिया, लेकिन पेशेंट अब किस, जो नर्स है वो किसके लिए अवेयर रहेगी, कौन सा इंटरवेंशन सबसे पहले करेगी। तो ऑप्शन ए है असिस्ट फुल ROM टू डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ इंजरी। देखो ROM रेंज ऑफ मोशन नहीं कराना है, क्योंकि रेंज ऑफ मोशन करोगे अंदर हल्का सा भी ब्लीड है तो रेंज ऑफ मोशन की वजह से ब्लड फ्लो बढ़ेगा और उसकी वजह से क्या होगा, ICP बढ़ सकता है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, कॉल फॉर एन इमीडिएट चेस्ट एक्सरे। ऑप्शन सी, इमोबिलाइज द क्लाइंट्स हेड एंड नेक। ऑप्शन डी, ओपन द एयर विद द हेड टिल चिन लिफ्ट। अब अगर आपके पास आया है कॉन्शियस अनकॉन्शियस पेशेंट है, क्लियर ब्रीदिंग नहीं है, तो आप हेड एंड हेड टिल चिन लिफ्ट करोगे, बट अभी तो यहाँ कहा गया पेशेंट अलर्ट है और ओरिएंटेड है, दैट मीन्स नो नीड टू मैनेज एयरवे। अलर्ट और ओरिएंटेड है तो आप एयरवे को ओपन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा है आपका सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, कॉल फॉर एन इमीडिएट चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्यों, क्योंकि हेड इंजरी हुई है तो हमें हेड पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट मीन्स इमोबिलाइज द क्लाइंट हेड एंड नेक। तो सबसे पहले पेशेंट का नेक और हेड को इमोबिलाइज करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर नेक के अंदर फ्लेक्शन किया तो जितना फ्लेक्शन हुआ ब्लड फ्लो की वजह से क्या होगा, ICP बढ़ सकता है। तो पहला काम क्या करना है, दैट इज योर राइट आंसर इज योर सी, इमोबिलाइज द क्लाइंट हेड एंड नेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विद अ C6 स्पाइनल इंजरी वुड मोस्ट लाइकली हैव विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। अब किसी पेशेंट को C6 स्पाइनल इंजरी है, तो जब सर्वाइकल के अंदर इंजरी होती है तो पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम्स आ सकते हैं, सर्वाइकल इंजरी है। तो ऑप्शन ए है एफेजिया, ऑप्शन बी है हेमीपैरेसिस, ऑप्शन सी है पैराप्लेजिया, ऑप्शन सी है टेट्राप्लेजिया। एफेजिया दैट मीन्स स्पीच लॉस, हेमीपैरेसिस दैट मीन्स हाफ ऑफ द बॉडी पार्ट का के अंदर वीकनेस, पैराप्लेजिया मतलब नीचे वाले भाग के अंदर आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहे, पैरालिसिस हो गया, और टेट्राप्लेजिया दैट मीन्स और क्वाड्रिप्लेजिया टेट्राप्लेजिया, चारों लिम के अंदर मूवमेंट नहीं है, राइट। तो आंसर क्या होगा, जब थोरेसिक इंजरी होती है तो देर में भी चांस ऑफ हेमीपैरेसिस और पैराप्लेजिया, बट इन केस ऑफ सर्वाइकल इंजरी है तो पेशेंट में है क्वाड्रिप्लेजिया और टेट्राप्लेजिया। तो जब आपका स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर क्या होगा, C6 है, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के अंदर मोस्ट कॉमन चांस क्या है, थोरेसिक इंजरी है तो आपका क्वाड्रिप्लेजिया हो सकता, सॉरी पैराप्लेजिया हो सकता है, बट अगर आपका स्पाइनल सर्वाइकल कॉर्ड इंजरी है तो यू मस्ट हैव टेट्राप्लेजिया। तो राइट आंसर होगा क्या, देर इज राइट आंसर इज योर टेट्राप्लेजिया। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, दैट इज टी, टेट्राप्लेजिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 8, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ 30-year-old male was admitted to the progressive care unit with a C5 fracture from a motorcycle accident. Which of the following assessment would take priority? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा, और एक अक्सर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, अभी पूछा गया एम्स भोपाल और एम्स ऋषिकेश के अंदर, ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं लिख ही देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, तो ध्यान से रखना है कि पूछा क्या है, दैट इज योर C5 फ्रैक्चर है, दैट मीन्स C4 से आपकी कौन सी नर्व निकलती है, C1, C2, C3 दैट इज सर्वाइकल प्लेक्सस, और यहाँ से आपकी C3 और C4 से आपकी जो नर्व निकलती है दैट इज योर फ्रेनिक नर्व, राइट। अब ऑप्शन ए है ब्लैडर डिस्टेंशन, ऑप्शन बी है न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, ऑप्शन सी है पल्स ऑक्स रीडिंग, ऑप्शन डी है द क्लाइंट्स फीलिंग अबाउट द इंजरी। यस, तो जब C5 इंजरी है तो वी नीड टू मॉडिफ, क्योंकि C4 से आपकी फ्रेनिक नर्व निकलती है, और फ्रेनिक नर्व किसको सप्लाई करती है, डायफ्राम को सप्लाई करती है, तो देर में बी जस्ट रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फ्रेनिक नर्व। तो यहाँ पर क्या चांस है, रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ फ्रेनिक नर्व के डैमेज होने के चांस है, और फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी तो क्या होगा, पेशेंट अनएबल टू ब्रीथ। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मॉनिटर करना है, वी नीड टू मॉनिटर पल्स ऑक्स, यहाँ RR लिखा होता, रेस्पिरेटरी रेट लिखी, तो पल्स रेस्पिरेटरी रेट भी सही थी, बट यहाँ
पल्स ऑक्सीमीटर लिखा है, पल्स ऑक्स रीडिंग लिखा है, SpO2 लिखा है, तो ये भी करेक्ट हो सकता है, राइट। तो आइदर पल्स ऑक्स रीडिंग और पल्स ऑक्स दैट मीन्स SpO2, नॉट वी आर मॉनिटरिंग पल्स, वी आर मॉनिटरिंग SpO2 एंड RR रेस्पिरेटरी रेट, तो राइट आंसर इज योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल इन द ER इमरजेंसी डिपार्टमेंट अ क्लाइंट विद अ CE2 टेट्राप्लेजिया डेवलप्स अ ब्लड प्रेशर ऑफ 80/40, लो BP, राइट, टेट्राप्लेजिया है, लो BP, पल्स 48, ब्रैडीकार्डिया, हाइपोटेंशन, ब्रैडीकार्डिया एंड RR ऑफ 80, दैट मीन्स CE8 के अंदर ही है, तो यहाँ फ्रेनिक नर्व डैमेज नहीं हुई है, रेस्पिरेटरी नॉर्मल है। याद रखना मित्रों, तो आपका रेस्पिरेटरी रेट तो नॉर्मल है बट ब्लड प्रेशर लो है, पल्स लो है, द नर्स सस्पेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग करने, तो टेट्राप्लेजिया है, 80/40, लो BP है, ऑब्वियसली यूरिन आउटपुट भी लो होगा, दैट इज द साइन ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक। ऑप्शन ई, ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया, ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो वहाँ पर BP डिक्रीज नहीं होगा, BP भी बहुत ज़्यादा होगा, मोर देन 200। हेमरेजिक शॉक, हेमरेजिक शॉक भी नहीं हो सकता है, राइट। ऑप्शन सी, न्यूरोजेनिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक इसलिए क्योंकि यहाँ पल्स लो है, हेमरेजिक, अगर पल्स ज़्यादा होती, BP कम होता, पल्स ज़्यादा होती तो हम जा सकते थे यहाँ पर हेमरेजिक शॉक के अंदर, बट यहाँ BP भी कम है और पल्स भी कम है, दैट मीन्स पेशेंट मे हैव न्यूरोजेनिक शॉक, डी पल्मोनरी एम्बोलिज्म, RR नॉर्मल है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई चांस नहीं बनता, तो ये तीन ऑप्शन तो आपके गलत हो गए, राइट आंसर इज योर न्यूरोजेनिक शॉक, आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी एट द लेवल ऑफ T12, ही हैज लिमिटेड मूवमेंट ऑफ हिज अपर एक्सट्रीमिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन वुड बी यूज टू कंट्रोल एडिमा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पूछा गया है एडिमा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड एवरीवन नोज कि जो एडिमा कंट्रोल करता है कौन सी ड्रग है, दैट इज योर एडिमा को रोकने के लिए स्टेरॉइडल ड्रग्स, स्टेरॉइड्स के वर्क्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्टेरॉइड किसकी तरह काम करते हैं, और न्यूरो के अंदर इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, न्यूरो के अंदर आपका जो यूज़ होता है ब्रेन के अंदर एडिमा को रिड्यूस करने के लिए जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ किया जाता है वो कौन सा है, दैट इज डेक्सोना, राइट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, बट यहाँ पर जो आंसर है थोड़ा सा डिफरेंट, ऑप्शन ए एसिटाजोलामाइड, ऑप्शन बी फ्लुसेमाइड, ऑप्शन सी मिथाइल प्रेडनिसोलोन एंड ऑप्शन डी सोडियम बाइकार्बोनेट, तो राइट आंसर इज योर सी मिथाइल प्रेडनिसोलोन, सोल्यूमेट्रोल, सोल्यूमेट्रोल इज योर व्हाट, सोल्यूमेट्रोल क्या है, दैट इज योर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड वर्क्स एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, दैट इज योर एंटी इन्फ्लेमेटरी, ये आपके एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, राइट गाइस, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, राइट, यहाँ डेक्सोना होता तो डेक्सोना भी, डेक्सामेथासोन भी सही होता। क्वेश्चन नंबर 11, ए 22-year-old क्लाइंट विद क्वाड्रिप्लेजिया इज एप्रीहेंसिव एंड फ्लस्ड विद अ ब्लड प्रेशर, देखो एप्रीहेंसिव फ्लस्ड, पेशेंट फ्लस्ड है एंड विद अ ब्लड प्रेशर 210/100, हाइपरटेंसिव एंड हार्ट रेट ऑफ 50 ब्रीथ पर मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन, तो यहाँ पर आपको क्लासिकली दिख रहा है कि BP तो हाई, हाइपरटेंशन विद ब्रेडीकार्डिया, अगर न्यूरो के अंदर ये साइन आपको कहीं मिल जाता है तो वो इंडिकेट करेगा क्या, ऑटोनॉमिक डिसरेफ्लेक्सिया, फ्लस्ड स्किन है, BP हाई है, और ऐसा कब होता है, जब ब्लैडर कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई है वो अचानक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर दिया, ब्लैडर भरा हुआ खाली नहीं हो रहा है ना, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर हो सकता है, तो नॉक्सियस स्टिमुलाई स्टिमुलेट कर दिया, अचानक से आपने क्या किया, पेशेंट पंखा चालू कर दिया, पेशेंट को डायफोरेसिस होने लग गया, तो पंखा चालू कर दिया, डायफोरेसिस होने लग, दैट मीन्स दैट फेन इज नॉक्सियस स्टिमुलेट, जो अचानक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है, न्यूरो के अंदर या तो ब्लैडर फुल हो या फिर आपका कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई हो जो एक्टिवेट कर दे या हाइपर एक्टिव कर दे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, फ्लस्ड स्किन, हाइपरटेंशन एंड ब्रैडीकार्डिया, दैट इज द क्लासिकल साइन ऑफ योर ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, तो ये किसके क्लासिकल साइन है, दैट इज द साइन ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द ऑप्शंस, ऑप्शन ए प्लेस द क्लाइंट फ्लैट इन बेड, ऑप्शन बी असिस्ट पेटेंसी ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर, गिव वन नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट,
डी रेज द हेड ऑफ द बेड इमीडिएटली टू 90 डिग्री। देखो जब पेशेंट को क्या होता है, जब पेशेंट का आई बीपी बढ़ा दैट मीन्स आईसीपी बढ़ जाएगा, और आईसीपी जब बढ़ता है तो आईसीपी को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन देनी होती है एंड हेड अप 90 डिग्री, रेज द हेड ऑफ द बेड इमीडिएटली 90 डिग्री करेंगे ताकि क्या होगा, जो फ्लो है वो डिक्रीज होगा और आईसीपी को रिड्यूस करने में मदद करेगा, राइट। ताकि ब्लड को फ्लो को डिक्रीज करना ब्रेन के अंदर, 210 हो गया है तो बिल्कुल रिड्यूस करना है, विटामिन स्ट्रेटन को हटाना है आपको, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, जब ब्लड फ्लो को डिक्रीज करना है, आईसीपी को कम करना है, तो इमीडिएटली पेशेंट को 90 डिग्री पे रेज कर देना है। इंडवेलिंग कैथेटर इज द असिस्ट द पेटेंसी ऑफ इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर। यूरिनरी कैथेटर को अब तो आईसी ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो चुका है, दैट इज नॉट अ एटियोलॉजी, ये तो आपका क्या है, यूरिनरी कैथेटर या यूरिन नहीं निकलना, डिस्टेंडेड यूरिनरी कैथेटर, दैट इज द एटियोलॉजी ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ये तो उसकी एटियोलॉजी है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको तुरंत ही पेशेंट का बीपी बढ़ गया है तो आपको उसको 90 डिग्री पे कर देना है ताकि ब्रेन के अंदर सप्लाई डिक्रीज हो और कहीं हैमरेज ना हो, आईसीपी को कंट्रोल किया जा सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। ए क्लाइंट विद सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हैज गार्डनर बेल्ट टॉन्च इंसर्टेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ऑप्शन ए है टू हैसन वोंड हीलिंग, ऑप्शन बी है टू इमोबिलाइज द सर्वाइकल स्पाइन, ऑप्शन सी है टू प्रिवेंट ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ऑप्शन डी टू होल्ड द बोनी फ्रेगमेंट ऑफ द स्कल टुगेदर। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो गार्डनर टॉन्च है वो आपका लगाया जाता है इस तरीके से, ये वाला है ऐसे लगाया जाता है, ये है और ये, तो यहाँ पर दोनों में फिक्स किया जाता है। तो ये जो बोनी फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये एक सर्वाइकल स्पाइन है, इंजरी हुई है सर्वाइकल के अंदर, तो ये बोनी फ्रेगमेंट है, उनको साथ साथ इनको खींच, इसको प्रेशर अप्लाई करके इन दोनों को दूर दूर किया जाता है ताकि इसको एक अलाइनमेंट में लाया जा सके, राइट। तो ये बोनी फ्रेगमेंट के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो, टू होल्ड द बोनी फ्रेगमेंट ऑफ द स्कल टुगेदर, तो इसको लिया जाता है टू होल्ड द बोनी फ्रेगमेंट ऑफ द स्कल टुगेदर, तो जो बोनी फ्रेगमेंट है उनको पास पास रखने के लिए, या फिर आपका सर्वाइकल स्पाइन है उसकी जो बोन्स है उनके अंदर अगर ओवरलैपिंग है तो उसको भी ठीक करने के लिए किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, आंसर डी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन डिस्क्राइब एन अप्रोप्रिएट ब्लैडर प्रोग्राम फॉर अ क्लाइंट इन रिहैबिलिटेशन फॉर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो ब्लैडर को बहुत अप्रोप्रिएट रखना क्यों जरूरी है, बिकॉज अगर ब्लैडर डिस्टेंच हुआ तो इट मे कॉज ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, तो हमें क्या करना है, बार बार पेशेंट को यूरिन खाली कराते रहना है। तो ऑप्शन ए इंसर्ट एंड इनवेलिंग यूरिन कैथेटर टू स्ट्रेट ड्रेनेज शेड्यूल्ड इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन एवरी 2 to 4 hours, परफॉर्म अ स्ट्रेट कैथेटराइजेशन एवरी 8 hours व्हाइल अवेक, परफॉर्म क्रेडी मैन्यूअल टू द लोअर एब्डोमेन बिफोर द क्लाइंट वाइट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, हर 2 to 4 hours के अंदर पेशेंट को इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन करके और यूरिन को बाहर निकालना है। तो राइट आंसर इज शेड्यूल इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन एवरी 2 to 4 hours, द राइट आंसर इज योर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ए 23-year-old क्लाइंट हैज बीन हिट ऑन द हेड विद अ बास्केट बेसबॉल बैट, द नर्स नोट्स क्लियर फ्लूइड ड्रेनिंग फ्रॉम हिज ईयर्स एंड नोज, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन शुड बी डन फर्स्ट। तो पेशेंट के क्लियर फ्लूइड आ रहा है, दैट मीन्स हेड पे हिट हुआ, क्लियर फ्लूइड नोज से आ रहा है तो वो इंडिकेट कर रहा है पेशेंट में है CSF, ईयर और नोज से आ रहा है तो CSF। अब CSF है या क्लियर वाटर है उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर CSF है तो उसके अंदर ग्लूकोज होगा, वाटर है तो उसके अंदर ग्लूकोज नहीं होगा, तो इसका टेस्ट कर लेंगे किससे, डेक्सट्रोज स्ट्रिप से। तो ऑप्शन ए है पोजिशन द क्लाइंट फ्लैट इन बेड, ऑप्शन बी है चेक द फ्लूइड फॉर डेक्सट्रोज विद डिपस्टिक, सक्शन द नोज टू मेंटेन एयरवे पेटेंसी, ऑप्शन डी इंसर्ट नेजल एंड ईयर पैकिंग विद स्टाइल गॉज। तो हम क्या करेंगे, डेक्सट्रोज स्ट्रिप से इसको डिपस्टिक टेस्ट कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा CSF है या क्लियर फ्लूड है, तो राइट आंसर इज योर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डिस्चार्जिंग अ क्लाइंट फ्रॉम द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर ए हेड ट्रॉमा द नर्स टीच द गार्जियन टू ऑब्जर्व फॉर अ ल्यूसिड इंटरवल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब अ ल्यूसिड इंटरवल। तो कौन सा ल्यूसिड इंटरवल है, ऑप्शन ए एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट्स स्पीच इज गार्बल्ड, ऑप्शन बी एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट्स अलर्ट बट कांट रिकॉल रिसेंट इवेंट्स, ऑप्शन सी एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट ओरिएंटेड बट द बिकम्स सोमनोलेंट, ऑप्शन बी डी एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट्स हैज अ वार्निंग सिम्टम सच एज एन ऑर्डर और विजुअल डिस्टर्बेंस। तो ये तो वार्निंग सिग्नल तो किसके हो गए, इसको तो अपन बोलेंगे ओरा, राइट। वार्निंग सिग्नल तो क्या है, ओरा है। ऑप्शन सी एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट्स ओरिएंटेड बट व्हेन बिकम सोमनोलेंट,
तो पहले कुछ देर के लिए तो वो जग जाता है और अच्छे से ओरिएंटो की बात करता है, हाँ मैं ये, और फिर वापस सो जाता है। तो नींद नींद में उठाते उठाते वो बात करना अराउजेबल जिसको बोलते हैं, तो उठाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर बात करता बट वापस वो नींद में चला जाता है। तो इसको अपन बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। तो राइट आंसर इज योर सी, एन इंटरवल व्हेन द क्लाइंट अर्जेंट बट बिकम सोमनोलेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट ऑन द रिहैब यूनिट इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। इसमें से कौन सा पेशेंट ऐसा है जो ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया डेवलप हो सकता है? ऑप्शन ए, ए क्लाइंट विद अ ब्रेन इंजरी। ऑप्शन बी, क्लाइंट विद अ हर्निएटेड न्यूक्लियस प्रॉपलस। क्लाइंट विद अ हाई सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। ऑप्शन डी, ए क्लाइंट विद स्ट्रोक। तो जिसको सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है, मैंने पहले ही कहा था कि जिस पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है ही हैज अ हाई रिस्क ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। तो सी, स्पाइन इंजरी के अंदर आपका ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया हो सकता है। तो राइट आंसर इज योर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट दैट स्पाइनल शॉक इज रिजॉल्विंग क्लाइंट विद C7 क्वाड्रिप्लेजिया। तो क्वाड्रिप्लेजिया है, बिल्कुल भी आपका मसल वीक पड़ी हुई है, तो कौन सा ये इंडिकेट करेगा, हाँ पेशेंट रिकवर कर रहा है। दैट मीन्स अगर मसल्स के अंदर वीक है, फ्लैक्सिड है, और उसमें फ्लैक्सिड मसल के अंदर अगर आपका फ्लैक्सिड मसल है, मसल वीकनेस है, फ्लैक्सिड मसल है, उस फ्लैक्सिड मसल के अंदर अगर आपको क्या चीज़ दिखाई दे तो आप ये एज्यूम करेंगे हाँ पेशेंट इज रिकवरिंग। तो ऑप्शन ए है, एबसेंस ऑफ पेन सच इन चेस्ट। ऑप्शन बी, स्पास्टिसिटी। ऑप्शन सी, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। ऑप्शन डी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। दैट मीन्स इफ मसल हैव स्पास्टिसिटी, अगर मसल्स के अंदर स्पास्टिसिटी हमको दिखाई देती है, टफ मसल होने लग जाती है धीरे धीरे, जो लूज मसल होती है उसके अंदर टफनेस आ जाती है, स्पास्टिक हो जाती है मसल, तो वो इंडिकेट करेगा कि पेशेंट इज रिकवरिंग। तो राइट आंसर इज योर बी। चलिए नेक्स्ट, ए नर्स असिस्ट अ क्लाइंट हु हैज एपिसोड ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। पहले ही बता चुका, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया का, करीब करीब ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया मैंने कवर करा दिया, और यहाँ से क्वेश्चन ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑप्शन ए, हेडेक। ऑप्शन बी, लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। ऑप्शन सी, न्यूरोजेनिक शॉक। ऑप्शन डी, नॉक्सियस स्टिमुलाई। पहले ही कहा कि अगर आपने पंखा चालू कर दिया, कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई जो इरिटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से अचानक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो सकता है। तो आपका कौन सा कॉज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन कॉज, तो दैट इज योर नॉट द लंबर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, क्योंकि आपकी सर्वाइकल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया होगा। तो आंसर क्या होगा, आंसर इज योर डी, नॉक्सियस स्टिमुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अ क्लाइंट विद C7 क्वाड्रिप्लेजिया इज फ्लर्ज्ड एंड एंग्शियस एंड कंप्लेन ऑफ पाउंडिंग हेडेक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम कुड आल्सो बी एंटीसिपेटेड। तो फ्लर्ज्ड है, सर्वाइकल के अंदर इंजरी है, तो क्वाड्रिप्लेजिया सर्वाइकल है, फ्लर्ज्ड है एंड कंपाउंडिंग हेडेक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम कुड आल्सो बी एंटीसिपेटेड। तो ये सिम्टम्स इसके हैं, दैट इज योर सिम्टम्स ऑफ योर ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। इसके अलावा डिक्रीज यूरिन आउटपुट और ऑलिग्यूरिया। ऑप्शन बी, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ऑप्शन सी, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑप्शन डी, सिम्टम्स ऑफ शॉक। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो आपका C4 C5 के अंदर है तो होगा, बाकी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन नहीं होगा। और यहाँ पर आपका पेशेंट एंक्शियस है, और तो यहाँ पर फ्लश्ड और एंक्शियस है, इसका मतलब इसके साथ साथ क्या होगा, हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, दैट इज द इंडिकेट्स द ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज योर बी, ऑटोनॉमिक हाइपरटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया, दैट इज द सिम्टम्स ऑफ ऑल्सो द क्लासिकल साइन ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरफ्लेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 20। विच न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब के फंक्शन के लिए कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है? तो फ्रंटल लोब है, और फ्रंटल पार्ट ये आपका सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम के पास ये पूरा पार्ट है, इसके अंदर आपका मिडब्रेन के पास आपका थैलेमस होता है, और थैलेमस के पास सबस्टेंशिया नाइग्रा होता है, और यहाँ पर कौन सा सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर कौन सा होता है, दैट इज योर बेसल न्यूक्लियस जो है, बेसल न्यूक्लियस कहाँ होते हैं, दैट इज इन योर सेरिब्रम, क्लियर। और सेरिब्रम का ये फ्रंटल पार्ट है, उसी फ्रंटल पार्ट के अंदर आपका बेसल न्यूक्लियस होते हैं, और यहाँ पर आपका क्या होता है, देयर इज अ व्हाट, डोपामीन। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए डोपामीन, ऑप्शन बी गाबा, ऑप्शन सी नोरएपिनेफ्रिन, ऑप्शन डी हिस्टामिन। तो फ्रंटल लोब के फंक्शनिंग के लिए आपका जो रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका ए डोपामीन। राइट आंसर इज योर ए डोपामीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अ क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट आफ्टर स्लीपिंग ऑन अ पैच। तो पैच ऑफ आइस, एक पैच था, आइस पड़ा हुआ था, उस पे रख दिया और पेशेंट गिर गया, जिससे कि उसके सर पे लग गया, हिटिंग हर हेड। अ सिटी स्कैन ऑफ द हेड शोज अ कलेक्ट ऑफ ब्लड बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरामेटर। विच टाइप ऑफ हेड इंजरी डज द फाइंडिंग सजेस्ट। तो अब यहाँ पूछा गया कि कौन सी फाइंडिंग होगी पेशेंट को, तो ये देखें सबसे इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होगी, DAP इनर मोस्ट ड्यूरामेटर, सॉरी इनर मोस्ट पायामेटर, उसके बाद मिदर वन है आपका एरोग्नॉइड, और आउटर मोस्ट है वो आपकी ड्यूरामेटर, क्लियर। और ये स्कल आ गए, तो ड्यूरामेटर
और एरेक्नाइड के बीच हुई, तो ये सबड्यूरल स्पेस हो गया। तो यहाँ ब्लीडिंग होगी तो सबड्यूरल हेमेटम होगा, ये पायामीटर और ये एरेक्नाइड, तो सब एरेक्नाइड स्पेस हो गया, राइट। और ये आपका ब्रेन आ गया, तो इस ड्यूरामेटर के बाहर है स्कल और इसके बीच, तो ये क्या होगा, एपिड्यूरल हेमेटोमा। इसको अपन क्या बोलेंगे, एपिड्यूरल हेमेटोमा। तो राइट आंसर क्या होगा, फाइंडिंग सजेस्ट ऑप्शन ए है, सबड्यूरल हेमेटोमा नहीं, क्योंकि ये तो स्कल और ड्यूरामेटर के बीच है। ऑप्शन बी है एपिड्यूरल हेमेटोमा, ऑप्शन सी है सबएरेक्नॉइड हेमेटोमा, ऑप्शन डी है कंट्यूजन। तो राइट आंसर इज योर एपिड्यूरल हेमेटोमा, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, आफ्टर फॉलिंग 20 फीट हाइट से गिर गया एक पेशेंट, ए 30 ईयर ओल्ड मैन सस्टेनिंग अ C6 फ्रैक्चर विद स्पाइनल कॉर्ड ट्रांजेक्शन, विच अदर फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट। तो C6 इंजरी है तो कौन सी फाइंडिंग पेशेंट के अंदर हो सकती है, क्वाड्रिप्लेजिया विद ग्रोस आर्म मूवमेंट एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, क्वाड्रिप्लेजिया एंड लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, पैराप्लेजिया विद इंटरकॉस्टल मसल लॉस, डी लॉस ऑफ बवल एंड ब्लैडर कंट्रोल। ये एम्स भोपाल की ग्रेड 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज आज रेन एम्स भोपाल के अंदर पूछा गया है। तो एम्स भोपाल के अंदर पूछा गया है तो क्या सही जवाब होगा, पहले कहा कि C6 है तो क्वाड्रिप्लेजिया तो होगा, सर्वाइकल इंजरी तो क्वाड्रिप्लेजिया होगा, पैराप्लेजिया ये गलत हो गया। अब ग्रॉस मूवमेंट एंड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, यस पेशेंट है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी नहीं होगी, यहाँ लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन नहीं होगा क्योंकि C4 C5 के अंदर इंजरी है, तो फ्रेनिक नर्व डैमेज होगी, क्लियर। फ्रेनिक नर्व आपकी C1 C2 C3 इस ब्रेकल प्लेक्स से निकलती है, तो C4 C5, तो C4 और C5 के अंदर मेजर इंजरी है, तो वहाँ पर आपका यहाँ C6 इंजरी है तो आपका सर्वाइकल 6 फ्रैक्चर है, तो यहाँ फ्रेनिक नर्व डैमेज नहीं होगी। फ्रेनिक नर्व डैमेज नहीं होगी दैट मीन्स यहाँ पर आपका रेस्पिरेशन इम्पेयर नहीं होगा। एम्स भोपाल ग्रेड 1 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इज योर ए। क्वेश्चन नंबर 23, बहुत प्यारा क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद अ T5 कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, अपॉन असेसमेंट द नर्स नोट्स अ फ्लश्ड स्किन। देखो T5 इंजरी है, राइट, फ्लश्ड स्किन, डायफोरेस अबाउट द T5 एंड ब्लड प्रेशर ऑफ 162/96, क्लियर। द क्लाइंट रिपोर्ट्स अ सीवियर पाउंडिंग हेडेक, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्स इंटरवेंशन वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर दिस क्लाइंट, सेलेक्ट ऑल दैट। अब इसमें से T5 थोरेसिक के अंदर है, लंबर के अंदर होती तो हम कहते हैं ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया नहीं है, बट सर्वाइकल और थोरेसिक के अंदर है तो पेशेंट में हैव रिस्क ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो ये करीब करीब जो साइन दिख रहे हैं वो आपको फ्लश्ड स्किन है, वो किसके दिख रहे हैं, इसी के, ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया के। तो ऑप्शन ए है एलिवेट द हेड ऑफ द बेड 90 डिग्री, बिल्कुल करना है। लूजन कॉन्स्ट्रक्टिव क्लॉथिंग, टाइट क्लोथ्स है तो उसको रिमूव करना है। सी यूज अ फैन टू रिड्यूस डायफोरेसिस, डी असिस्ट फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन बोवेल इंफेक्शन, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन। तो ये ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया है तो आपको फैन चालू नहीं करना है, उसके अलावा हेड एलिवेट करना है, क्लोथ को लूज करना है, ब्लैडर डिस्टेंशन है यानी उसको चेक करना है, एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव। तो ये चारों काम आपको करने हैं, आपको ये काम नहीं करना है। ये भी आपका एम्स ऋषिकेश के अंदर पूछा गया था। डायफोरेसिस नहीं करना है, सॉरी फैन यूज़ नहीं करना है, बिकॉज पेशेंट को क्या एनॉक्सियस सिस्टम लाएगा जिसकी वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो राइट आंसर इज योर व्हाट, ABDE। क्वेश्चन नंबर 24, अ क्लाइंट विद अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सडनली एक्सपीरियंस एन एपिसोड ऑफ ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया, आफ्टर चेकिंग द क्लाइंट्स वाइटल साइन लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, द नर्स एक्शन नंबर 1 बींग द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड नंबर 5 बींग द लास्ट प्रायोरिटी। तो 1 से 5 ऑप्शन दिए, ए चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, बी रेज द हेड ऑफ द बेड, कॉन्टैक्ट, सी कॉन्टैक्ट द फिजिशियन, डी लूजन टाइट क्लोथिंग ऑन द क्लाइंट, एंड ई एडमिनिस्टर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। तो ये 5 में से कौन सा काम पहले करना, कौन सा काम लास्ट करना है, ए बी, सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, ऑप्शन बी, बी डी ए सी ई, ऑप्शन सी, सी ए डी ई बी, ऑप्शन डी, सी डी ए बी ई। तो सबसे पहला काम तो आपको जो करना है वो पोजीशन का करना है। अब क्योंकि आप बीपी बढ़ गया और पेशेंट का आईसी बढ़ रहा है तो तुरंत उसको 90 डिग्री बढ़ना है, ये मैंने बताया था। अब ऐसा बी पहले हो, ऐसा ऑप्शन ए ही है तो हमारे लिए आसान हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा, दैट इज़ योर बी, बी डी ए सी ई, राइट आंसर इज योर बी डी ए सी, क्योंकि बी ही सबसे पहले करना है। सबसे पहले हमें हाइट ऑफ द बेड एलिवेट करना है ताकि पेशेंट का ICP को कंट्रोल किया जा सके। तो बी के बाद आपको क्या करना, पहला काम तो हो गया रेज द बेड ऑफ द हेड ऑफ द बेड, उसके बाद आपको करना है डी
लूजन टाइट क्लॉथिंग ऑन द क्लाइंट्स. उसके बाद आपको करना है ए, चेक फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन. पहले आप हेड एडिवेट करोगे, फिर क्लॉथ को लूज करोगे, फिर ब्लैडर को चेक करोगे, उसके बाद आपको फिजिशियन को बुलाना है, और लास्ट में आपको करना है एडमिनिस्टर, क्योंकि फिजिशियन आएगा तभी वो एडमिनिस्टर कहेगा कि आपको मेडिसिन देनी है. तो फिजिशियन को कॉन्टैक्ट किया, उसके बाद आपको करना है. तो सबसे पहले आपको हेड ऑफ द बेड एलिवेट करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद उसके कपड़ों को लूज़ करना है, टाइट क्लोथ है तो, क्योंकि रेस्पिरेटरी, अगर पेशेंट को कन्वर्ज आईसीबी बढ़ गया और कन्वर्जन आ गए, टाइट क्लोथ है तो क्या होगा, पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर फ्रैक्चर वगैरह हो सकते हैं. तो आपको पहला काम तो हेड एलिवेट करना है, दूसरा काम आपको लूज क्लोथ को लूज़ करना है, तीसरा काम आपको ब्लैडर को चेक करना है, क्योंकि ब्लैडर फूल है तो वो स्टिमुलाई हो और वो आपका ऑटोनोमिक डिस्रिफ्लेक्सिया कर सकता है. उसके बाद आपको फिजिशियन को कॉन्टैक्ट करना है, और लास्ट में आपको हाइपरटेंसिव मेडिसिन एडी करनी है. चलिए लास्ट, द राइट आंसर इज बी. लास्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट विद अ हेड इंजरी हैज़ बीन यूरिनेटिंग कॉपियस अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन थ्रू द फॉलिस कैथेटर. तो बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है किसी पेशेंट को, हेड इंजरी वाले को. द क्लाइंट्स यूरिन आउटपुट फॉर द प्रीवियस शिफ्ट वॉज 3000 ml, मतलब पॉली यूरिया हो रहा है हेड इंजरी वाले को. अगर पॉली यूरिया हो रहा है, द नर्स इंप्लीमेंट ए न्यू फिजिशियन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर. तो 3000 ml है, दैट मीन्स पॉली यूरिया है, हेड इंजरी पेशेंट में है डायबिटिक इंसिपिडस. ऑप्शन ए डेसमोप्रेसिन, ऑप्शन बी डेक्सामेथासोन, ऑप्शन सी इथाक्रिनिक एसिड, ऑप्शन डी मैनिटोल. तो जब पेशेंट को पॉली यूरिया है, पॉली यूरिया हो रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को क्या हो रहा है, ADH, राइट. तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, डेसमोप्रेसिन देगी. डेसमोप्रेसिन भी आपका क्या है, डेसमोप्रेसिन भी वासोप्रेसिन का दूसरा ही नाम है. तो डेसमोप्रेसिन आल्सो द ADH एनालॉग. तो ये ADH एनालॉग है. तो पेशेंट को क्या हो रहा है, डायबिटिक इंसिपिडस हो रहा है. उस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को क्या देंगे, वी विल प्रोवाइड डेसमोप्रेसिन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट गाइज. द राइट आंसर इज योर ए डेसमोप्रेसिन. यस गाइज, तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे. बहुत प्यारे क्वेश्चन है और ये बहुत रिपीटेडली एग्जाम्स के अंदर आते हैं. कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको आते हैं तभी सॉल्व कर पाओगे, राइट गाइज. तो अब लास्ट 25 क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं कल. तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और शेयर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगला टॉपिक आपको कौन सा पढ़ना है, कार्डिक पढ़ना है या एंडोक्राइन पढ़ना है, वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं. ओके गाइज, थैंक यू सो मच.